पालक सकौड़ा खाने में टेस्टी, लाजवाब और स्वादिष्ट होता है। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है क्योंकि ये पालक से बनता है कम मसालों में। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सकौड़ा बनाते। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 गड्डी पालक ली गई है, इसे हम लोग बारीक बारीक काट लेंगे। सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से धुल लिया गया है और साफ़ कर लिया गया है, फिर इसे जो है काट दिया जा रहा है। इसे बारीक बारीक हम लोग चाकू से सिंपली काट देंगे। यहाँ पर ये सारी पालक हमारी कट चुकी है, अब इसका हम लोग पकौड़ी बनाएंगे यानी सकौड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे एक बर्तन में रखा गया है, फिर 1 चम्मच धनिया के बीज डाले गए हैं, उसके बाद लगभग 1/2 चम्मच यहाँ पर खड़ा जीरा डाला गया है। जीरा के बाद दोस्तों यहाँ पर नमक डाल दिया गया है। नमक डालने के बाद इसमें जो है बेसन डाला जा रहा है। बेसन यहाँ पर लगभग 4 से 5 चम्मच डाले गए हैं, जिससे हमारे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएं। इसमें दोस्तों ध्यान रखना है कि पानी नहीं डालना है, क्योंकि नमक और पालक हमारा पानी छोड़ेगा। पालक खुद पानी छोड़ता है, नमक डालने के बाद तेज़ी से पानी छोड़ता है, तब ये हमारा इसमें मिक्स हो जाएगा। जब ये हमारा पकौड़ी बनाने लायक रेडी हो जाए तब इसमें हम लोग फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर रिफाइंड तेल में आप कड़ुआ तेल या देसी घी भी ले सकते हैं, इसे फ्राई किया जाएगा नॉर्मल आँच में। इसे सिंपली आपको हाथों से इसकी पकौड़ी बना लेनी है। आप सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको हाथों में लेना है और इसे क्या बनेगी, थोड़ा ये हमारी गोल बनेगी पकौड़ी। आप हाथों से भी बना सकते हैं। इसे लगभग पकने में 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। इसे नॉर्मल आँच में पकाया गया है। जब ये हमारा पक जाएगा तभी हमारा कुरकुरा हो जाएगा। इसे पकाते वक्त ध्यान रखना है, इसे जो है दोनों तरफ चलाते रहना है ताकि हमारे दोनों तरफ अच्छी तरीके से पक जाए, ये हमारी कुरकुरी बनेगी। यहाँ पर थोड़ा पालक पकौड़ी ज़्यादा बनाई गई है क्योंकि ये ऐसे ही खाने में टेस्टी लगती है। इसे हम लोग आप देख सकते हैं, जब ये हल्का हमारी भूरे कलर के हो जाए, कुरकुरी हो जाए, तब इसे हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर सारी जो है पालक पकौड़ी बना ली जाएगी। पालक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, और इसका जो है आप जुकाम हो, आपके सर्दी लगी हो, इसे आप गर्म करके इसका सकौड़ा खाएं, बहुत ही जल्दी आपकी जुकाम और सर्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अब हम लोग इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रिफाइंड निकाल लिया है, फिर जब तेल हमारा गर्मी था तब इसमें हम लोग जीरा डाल दिए। अब यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई प्याज डाली गई है। आप पेस्ट भी बना सकते हैं, पेस्ट क्या होगा, ये हमारा तेल ज़्यादा खाएगा, कटी हुई प्याज जो है तेल हमारी कम खाती है। इसे हम लोग अच्छी तरीके से भूनेंगे। सभी लोगों को पता है जब प्याज हमारी भूरी हो जाएगी तब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा तेज पत्ता डाल दिया गया है। तेज पत्ता के बाद थोड़ा सा दोस्तों इसमें हींग डाल देंगे। हींग भी सेहत के लिए अच्छी होती है और इसका जायका हमारा बढ़ जाएगा सकौड़े का। हींग डालने के बाद इसे हम लोग साथ ही में प्याज के पकाएंगे। प्याज हमारी लगभग 4 से 5 मिनट के बाद जब ये हमारी भूरे कलर की हो जाएगी तब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी भूरी हो चुकी है। यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरे मिर्चे का पेस्ट डाला गया है। पेस्ट डालने के बाद दोस्तों इसे हम लोग भूनेंगे लगभग 10 से 15 सेकंड तक, ये हमारा पेस्ट जो है पक जाएगा। आप बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर पेस्ट डाला गया है। अब दोस्तों इसमें हम लोग मसाले डालेंगे। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला गया है। इसमें हम लोग थोड़ा सा बेसन डाल देंगे 1 चम्मच, ताकि हमारी जो सकौड़ा है वो गाढ़ा हो जाए। इसे हम लोग भूनेंगे, जब ये हमारा भूरे कलर का हो जाएगा बेसन तब इसमें हम लोग, तब तक इसे भूनना है। अब यहाँ पर लगभग 1 से 2 मिनट के बाद बेसन हमारा पक गया। फिर इसमें तीखा करने के लिए रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल दिया गया है। फिर यहाँ पर धनिया पाउडर डाला गया है। धनिया पाउडर यहाँ पर 2 चम्मच डाला गया है। अब दोस्तों इसमें जो है गरम मसाला डाला गया है। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दिया गया है। गरम मसाला के बाद इसमें हम लोग इसे भूनेंगे। भूनते वक्त ध्यान रखना है, सभी को पता होता है कि मसाले हमारे जल जाएंगे, थोड़ा सा इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर लगभग 1/2 गिलास पानी डाल दिया गया ताकि मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाएं और जले भी ना। लगभग 1 मिनट के अंदर ये मसाले हमारे पक जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मसाले हमारे तेल छोड़ने लगे, इसका मतलब ये पक चुके हैं। अब इसमें हम लोग पानी डाल लेंगे। यहाँ पर लगभग 1 गिलास पूरा पानी डाला गया है। अब इसे हम लोग पकाएँगे। जब हमारा पानी उबलने लगेगा यानी खौलने लगेगा तब इसमें हम लोग फ्राई किए हुए जो हमारे पालक की पकौड़ी है इसमें डाल देंगे। दोस्तों ये हमारा उबलने लगा है, अब पालक की पकौड़ी डाल देंगे। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको 2 से 3 मिनट तक ढक कर पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद जब आप इसे खोलेंगे तब इसमें हम लोग, पक चुका होगा, नमक डालना मैं भूल गया था, इसमें हम लोग स्वादानुसार नमक डाल देंगे। दोस्तों नमक डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब दोस्तों ये हमारा रेडी है खाने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और चटपटा होता है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों ये हमारा रेडी है। मैं इसी तरीके से ढेर सारी रेसिपी की वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।